वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। जब लाली ने उस जले हुए पर्चे को गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। जमाल ने लाली को उसका असली पर्चा फोल्ड करके जलाने के लिए दे दिया था। तुम्हें इस धोखेबाजी की सजा जरूर मिलेगी जमाल, तुम कभी नहीं जीत पाओगे, ये मेरी बद्दुआ है। इससे पहले कि लाली कुछ और कर पाती, गार्ड ने आकर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। तुमने ये ठीक नहीं किया जमाल, मैंने तुम जैसा खुदगर्ज, मफाद परस्त और नीच आदमी कभी नहीं देखा। सुनहरी के इस ताने पर जमाल ने कहका लगाते हुए कहा, प्यार और जंग में सब जायज होता है बीबी, और मैं ये जॉब हासिल करने के लिए हर हद पार कर सकता हूँ। ये सुनकर कलीम एक बार फिर बिलक बिलक कर रोने लगा। इस बार जमाल उसके पास गया। अले अले मुन्ना, क्या हुआ, आप जमाल भाई से डर गए क्या? ये लो अपने आंसू पोंछ लो, चलो शाबाश। अपनी जहर जैसी मीठी आवाज में कलीम को दिलासा देते हुए जमाल ने कहा, और उसने आंसू पोंछने के लिए कलीम के हाथों में उसी का पर्चा पकड़ा दिया। इससे पहले कि किसी को एहसास होता, मासूम कलीम ने अपने ही पर्चे से अपने आंसू पोंछ लिए। पर्चा खराब होने पर गार्ड फौरन कलीम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सहमे हुए कलीम को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए ले जाने लगा। गार्ड को रोकने के लिए कलीम ने दीवार से लगे हुए टेबल को मजबूती से पकड़ लिया, मगर गार्ड की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सका। गार्ड ने एक झटके से कलीम का हाथ खींचा, जिससे टेबल अपनी जगह से हिल गया और उस पर पड़ी हुई घड़ी, कलीम का पेन और कलीम का चश्मा जमीन पर गिर गए। कलीम को बाहर निकालने के बाद गार्ड ने टेबल को सीधा किया, उस पर घड़ी रखी और जाकर दोबारा अपनी जगह पर ऐसे खड़ा हो गया मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जमाल, तुम होश में तो हो, ये क्या पागलपन है, अस्वत ने गरजते हुए पूछा। पागलपन? इसे अकलमंदी कहते हैं जनाब। लाली बहुत होशियार थी, उसे पहले से कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता था, वो हम सब के लिए खतरा बन सकती थी। तुम लोगों को तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए कि मैंने इतनी चालाकी से उसका पत्ता काट दिया, और वो कलीम वो तो था ही बुजदिल, उस गूंगे रोतलू को तो वैसे भी कोई जॉब नहीं देने वाला था। हमें ना उस नादान दोस्त की जरूरत थी और ना उस दाना दुश्मन की, बस अब बचे हम पांच, जमाल ने सब की तरफ देखते हुए कहा। दिल तो करता है तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊं कि तुम जिंदगी भर याद रखो, अस्वत ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ आओ पंजा लड़ाते हैं, जो हार गया उसे कमरा छोड़कर जाना पड़ेगा, बोलो मंजूर है? जमाल ने अस्वत को चैलेंज करते हुए कहा। लेकिन यहाँ माहौल कुछ खास नहीं है, थोड़ा और अंधेरा होना चाहिए था ना, काश ये लाइट्स ऑफ हो जाएं। जमाल के ये कहते ही अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अरे लगता है इस कमरे की लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड है, सुनहरी ने हैरान होकर कहा। इससे पहले कि कोई लाइट्स ऑन करने के लिए कमांड देता, अस्वत ने मौके का फायदा उठाते हुए जमाल को दबोच लिया। जब तक अहमर ने लाइट्स ऑन कहा, तब तक अस्वत जमाल को ढेर कर चुका था। जमाल जमीन पर लेटा तड़प रहा था, उसकी नाक से खून बह रहा था और उसकी सांस उखड़ रही थी। जमाल को अस्थमा था, उसने सांस खींचते हुए अपने टेबल की तरफ इशारा किया जिस पर उसका इनहेलर रखा हुआ था। नीलम ने जाकर फौरन टेबल पर से इनहेलर उठाया और उसे जमाल को देना चाहा, लेकिन अस्वत ने नीलम को जानबूझकर धक्का मार दिया। इनहेलर उसके हाथ से गिरकर घड़ी वाले टेबल के नीचे जाकर फंस गया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, क्यों क्या हुआ, निकल गई ना सारी हवा, अस्वत ने जमाल की लाचारी पर हंसते हुए कहा। अस्वत तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसका मतलब तुम में और जमाल में कोई फर्क नहीं है, सुनहरी ने अस्वत को गैरत दिलाते हुए कहा। ये इसी लायक है सुनहरी कि इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया जाए, मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, अस्वत ने मुंह फेरते हुए कहा। जमाल की हालत बिगड़ती जा रही थी। सुनहरी जमाल का दम घुट रहा है, हमें कुछ करना होगा, नीलम ने घबरा कर गार्ड की तरफ देखा और बेसाख्ता कहा। प्लीज जमाल की जान बचा लें। इस इल्तिजा पर गार्ड ने जमाल की मदद तो नहीं की, मगर नीलम को कमरे से बाहर निकाल दिया। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया,
ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।